अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कैसे हो आप सब? ठीक हैं? और दोस्तों, आज की जो हमारा लेक्चर था वो था एक्सेल शीट के ऊपर, मींस हंटिंग शीट जो मैंने आपको बोला था। इसको एक्सेल शीट भी बोलते हैं और हंटिंग शीट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेक्चर देने से पहले ये बता दूं कि जो हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला, उसके अभी तक सब्सक्राइबर मीन्स उसके ऊपर व्यूज़ भी नहीं आए इतने अच्छे खासे। ठीक है, तो यार आप लोग भी हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप भी हमें फुल सपोर्ट दो ताकि हमारे लिए अच्छा हो, आपका भी अच्छा हो और हमें भी यूट्यूब से कुछ अच्छा फ़ायदा हो। ओके, तो लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स हर चीज़ आप किया करें, शेयर भी किया करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो थैंक यू सो मच। तो आज का जो थर्ड लेक्चर है वो है हंटिंग शीट के ऊपर कि आप अपनी ओन शीट कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको क्रिएट करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये एक शीट है आपको सामने नज़र आ रही, इसको एक्सेल शीट भी बोलते हैं और हंटिंग शीट भी बोलते हैं। ओके, तो अभी आप लोगों का काफ़ी सवाल होते हैं क्वेश्चन कि ये शीट निकली कैसी है। ठीक है, मीन्स ये मैंने इसको ओपन किया तो ये पहले से ओपन थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक शीट कैसे ओपन की जाती है। आप आओ, आप अपना टैब खोलो, ठीक है, जहाँ आपकी शीट हो आपने आना है, सिर्फ जहाँ एक गूगल हो ना, गूगल आईडी, फॉर एग्जाम्पल ये गूगल आईडी से है तो आपने गूगल आईडी खोल ली। उसके बाद होता क्या कि गूगल आईडी खोल गई तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक ऐसे खाली टैब आ जाएगा, अभी मैं इसको कट कर देता हूँ आपके सामने। ये खाली टैब है, ये गूगल बता रहा है, वो ये हमारा गूगल खुला खड़ा था, ये गूगल बता रहा है। आपने आना है और यहाँ पे आना है लास्ट में, ये देख रहे हैं गूगल एप्स, तो गूगल एप्स में जाना है। गूगल एप्स में इसको रिफ्रेश कर लो, गूगल एप्स में आके आने के बाद यहाँ आ रहा है नजर आपको कि शीट्स लिखा हुआ है, ये वाला, ये शीट्स ओपन कर लेनी है आपने। ये शीट ओपन करने के बाद जो भी आप शीट बनाते हो वो शीट यहाँ पे होती है। इस शीट का नाम मैंने रखा था स्टूडेंट शीट, तो ये देखें ये शीट आ गई, इसको मैं पिन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके फर्स्ट में डाला है ड्रॉप शिपिंग बाई ई कॉम हंटर्स, ई कॉम हंटर्स हमारा नाम हमारी कंपनी का, और दूसरा इसकी ये सेटिंग है। ठीक है, इसमें अमेजोन एसन ब्रांड रिमार्क्स हंटर नेम सेल प्राइस अमेजोन फी सेल टैक्स शिपिंग परचेज टोटल कॉस्ट ये सब है अपना। ठीक है, तो आपने अपनी शीट कैसे बनानी है। ठीक है, आपने ये शीट ओपन कर लेनी है, ये जो मैं आपको शीट आज डिस्क्रिप्शन में इसकी अपना इस शीट का मैं आपको लॉगिन दे दूंगा, मैं इस जीमेल का आपको लॉगिन दूंगा इसका, ये कुमी वर्ड के नाम से मैंने एक बनाई है हसन जी 7786, इसका मैं लॉगिन पासवर्ड दे दूंगा। आपने ये शीट इसी तरह आना है, इसको ओपन कर लेना है, जैसे मैंने बताया यहाँ से न्यू टैब खोलना है और यहाँ ऐप्स में आके शीट को ओपन कर लेना है। ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगी तो काफ़ी मार्केट में ये शीट तो फैल जाएगी, हर कोई इसको ओपन करेगा, तो आप लोगों ने दूसरे की शीट खराब नहीं करनी, आपने इसी के अंदर से न्यू शीट बनानी है। वो कैसे, अब देखें गौर से। यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आप प्लस के बटन में दबाएं, अगेन आप ऐप्स के अंदर आए, ऐप्स में आने के बाद शीट ओपन कर लें ये वाली। अब ये शीट जब आ जाएगी आपके सामने तो यहाँ पे ये शीट है और यहाँ पे ये कह रहा है ब्लैंक, तो इसको आप क्लिक कर दो, ये ओपन हो जाएगा एक अलग टैब में एक न्यू शीट के साथ। ठीक है, अब इस शीट के ऊपर कोई भी देख रहे हो फार्मूला नहीं है, ये खाली के खाली एम्प्टी है ये फुल। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने इधर वापस अपनी ये यहाँ ओपन है, इधर पहले वाली शीट के अंदर आना है, आपने यहाँ पे टैप करके ना, यहाँ पे यहाँ जो नंबर वन लिखा है यहाँ पे टैप करना है तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसे कॉपी करना है कंट्रोल वी से, फिर कंट्रोल वी यहाँ पेस्ट कर देना, मीन्स इसे यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है, तो आपने दोबारा यहाँ शीट, मैंने कंट्रोल वी से कंट्रोल सी से सॉरी इसको कॉपी करना है और फिर यहाँ पे आपने इसे भी पेस्ट कर देना है। सही है, देख रहे हैं। उसके बाद ये है इसके फार्मूले, इस शीट के ऊपर फार्मूले लगे होते हैं तो ये फार्मूले लगे पड़े हैं, तो आपने ये नंबर थ्री पे क्लिक करना है, नंबर थ्री पे इसके फार्मूले कॉपी हो जाएंगे, उसके बाद नंबर थ्री पे आपने ये डाल देना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो डाउन, कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो डाउन इसको कॉपी कर रखा है आपने, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन आपने डाउन करना है और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो
तो ये हर जगह ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये अब यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे इसको कॉपी करके किसी भी एक लाइन को आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको फार्मूले इसमें अपडेट नहीं कर रहा क्योंकि काफी टाइम हो जाएगा, तो इसमें मैं आपको एक कॉपी शीट बनाना बता रहा हूँ कि आप अपनी ओवन शीट एक कॉपी बना सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन्स नहीं है, यहाँ पे कुछ जिस तरह ये लाइन्स बनी हुई है, तो ये मैं बता दूँ आपको ये कैसे बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको नीचे करें आप, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ है, ये 1000 पे है, ठीक है। ये 1000 पे है तो देख रहे हैं ये नीचे अब और शीट शो नहीं कर रहा। आपने फॉर एग्जाम्पल 1000 हंटिंग कर लिया तो इससे नीचे आप नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ ऐड का ऑप्शन होता है, ऐड करोगे तो ये 2000 तक नीचे बन जाएगी। अब आपका एक सवाल होगा कि यहाँ यहाँ पे लाइंस नहीं है, यहाँ पे कोई फार्मूला पुट नहीं है, तो वही सेम तरीका आप करें इसी शीट के अंदर है कि आप करना है। आप यहाँ नंबर 2 सेलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर ये अब पूरी जगह सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे जाना है बोर्ड्स, और बोर्ड्स इस पे टिक करना है, तो ये इस तरह डब्बे बन जाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो अब आपने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के लिए आप ये वाले जिस तरह ये सारे फार्मूले हैं ना, ये वाले लगे खड़े हैं, तो इधर आके 99 पे आप टैप कर दो या 1000 पे टैप कर दो। इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लो, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो डाउन एक साथ बटन, ये एक साथ ये दबाना नीचे की तरफ, और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना। तो मतलब ये जितने भी आपको अब आपने 2000 हंटिंग कर लिए, तो फिर आप इसी तरह ऐड करोगे और इसी तरह फार्म में फार्मूला इसके अंदर पुट कर दोगे, ठीक है। इसको कहते हैं कॉपी करके शीट बनाना, ठीक है। तो इसमें फार्मूले भी होते हैं, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा जिस तरह ये फार्मूले पुट हैं, ठीक है। बट अभी ये है अभी के लिए कि आप अपना इजिली आप काम कर सको, इसको कॉपी करके कैसे बना सकते हैं। ये आपको हंटिंग आ गई, आप चाहें तो इधर अपना नेम भी लिख सकते हैं, जैसे इसे मैं अपना नेम कोई और चेंज कर लूँ। यहाँ पे आप अपना नेम भी चेंज कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, मतलब इसको आप इजली, ठीक है। आप चाहें तो इनके अंदर कलर भी दे सकते हैं, जैसे एंटर है इसके अंदर, मैं इसको फुल सेलेक्ट करके ये कलर दे देता हूँ, तो कलर भी आप इसमें अपने ऐड कर सकते हो, मतलब इसमें आप हर चीज़ चेंजिंग कर सकते हो खुद से ही, ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप हंटर शीट नेम भी डाल दो, जैसे आपकी ये शीट है, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल अली हसन है, ठीक है, तो आप अली हसन अपना नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप ये चीजें कर सकते हैं। और दूसरा अभी ये देखें, आपने हंटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे आ गए हैं, तो आपको क्या पता अभी ये देखें यहाँ पे नेम शो नहीं हो रहा कि कौन सा हंटर नेम है, कौन सा परचेज प्राइस है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। तो इसका इजी वे ये है कि आप व्यू पे टैप करें, व्यू के बाद फ्रेज में जाएं और यहाँ रोए टू रोएस कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब आप खुद देखेंगे, अब आप नीचे भी आ जाए ना, ये जितना भी मैं नीचे कर रहा हूँ, ये देखे ना नंबर सी वाले नीचे जा रहे हैं, जितना भी मैं नीचे कर रहा हूँ, लेकिन ये नंबर 1 और नंबर 2 ये चीज हट नहीं रही है, क्योंकि अब मुझे इजी पता चल जाएगा कहाँ पे ब्रांड लिखा है, कहाँ पे हंटर नेम डालना है, कहाँ पे प्राइस, कहाँ पे क्या, ठीक है। तो ये चीज भी है। तो आपको एक न्यू कॉपी शीट बनाना आगे कि एक शीट आपके पास हो और उसकी कॉपी शीट कैसे बनाने हैं, उसका नाम कैसे पुट करना है, उसमें कलरिंग कैसे देनी है। आप वर्ड को बड़ा छोटा भी कर सकते हो, इससे देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो इसको बड़ा छोटा भी आप इजिली कर सकते हो, ये देखो ये, ठीक है। ये बड़ा छोटा भी आप इसे सेलेक्ट करके ना, कुछ भी मीन्स आप अपने तरफ से इसे ये मार्क डबल कर सकते हो, इसको थोड़ा सा तिरछा कर सकते हो, मतलब कि काफी कुछ आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होती है। और आप अगर किसी दोस्त को अपनी शीट एक्सेल शीट के अंदर या हंटिंग शीट भी इसे बोलते हैं, तो इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ शेयर करें, ठीक है। यार नेटवर्क स्लो है, तो इसे शेयर करें आप, फॉर एग्जांपल ahmed664bhati@gmail.com यहाँ पे आप कर दें, तो यहाँ पे ये आ गई, ये मेरी जीमेल है, तो इसके ऊपर मैं टैप कर दूं तो ये भी मेरे साथ ऐड हो जाएगी। मैं सेंड कर दूं तो ये इनविटेशन चला जाएगा और मैं इसमें एज अ एडिटर के तौर पे आ जाऊंगा, ये देख रहे हो, मैं कर देता हूँ मैं आपको सिखाने के लिए, देखो। तो मैं अब आपके साथ आपकी शीट के ऊपर अटैच हो चुका हूँ, ये देखें पर्सन एडिट ये आ गया और लिखा हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, नेट स्लो हुआ है इस वजह से, ये अभी खड़ा है, मैंने ये यहाँ से हट जाता हूँ। तो 2% ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, एक आप खुद और एक आपने अपने दोस्त को किया। अब आप इस शीट में है ओनर, ये देखें, तो आपका दोस्त है एडिटर।
तो आप इसमें चाहें तो अपने दोस्त को ओनर भी बना सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ट्रांसफर ओनरशिप पे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से ओनर भी बना सकते हैं, इसको व्यूअर्स भी बना सकते हैं। मतलब ये सिर्फ व्यू करेगा और बाकी कुछ नहीं कर सकेगा, एडिटिंग इसके ऊपर काम नहीं कर सकेगा, और कमेंटर भी बना सकते हैं, वो कमेंट भी पास कर सकेगा। ठीक हो गया, आपको ये चीज़ समझ आ गई है। तो मैं अपनी जीमेल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये था आसान तरीका एक कॉपी शीट बनाने का, कि आप अपनी खुद से शीट, एक शीट के अंदर आप हजारों शीट बना सकते हो इसी वे में, ठीक है। और यहाँ पे आपने नेम भी डालना है। तो आपको ये शीट की समझ आ चुकी होगी। तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक्स इसका शेयर करें, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अच्छे व्यूज़ आएँ। ओके, थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह कल की वीडियो में अगेन वेयर हाउस की हंटिंग जो मैंने अभी नहीं बताई और अमेजोन टू अमेजोन हंटिंग बता दूंगा कल के लेक्चर में। और यार बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सेलर अकाउंट कैसे बनेंगे। यार सेलर अकाउंट भी बन जाएगा ब्रो, थोड़ा सब्र करें, ठीक है। मैं आपको हर लेक्चर में बताऊंगा, आप हमें सपोर्ट देंगे ना अपनी तरफ से, तो हम भी आपको फुल सपोर्ट देंगे। हमारे हर चीज़ में आपको इसमें बताऊंगा कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, कि आपको किसी दूसरे से पूछने की किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है यार, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में। अच्छा सॉरी, तो मैं आपको ये भी बता दूं, आप इसके साथ ना एक अलग से भी वो कर सकते हो, इधर ऐड भी कर सकते हो आप। मतलब ये देखो, ये भी आपकी शीट हो गई, इसी के अंदर फिर वही फार्मूले पुट कर दो, ये भी अलग से यूं भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इनको डिलीट का ऑप्शन भी होता है, ये देखिए मूव लेफ्ट का है, डिलीट का है, डुप्लीकेट का है, कॉपी टू है, इसका रीनेम भी कर सकते हो इस शीट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अली हसन, ये देखिए ये नेम भी इन शीटों के ऊपर रख सकते हैं। ओके गाइस, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि यार अच्छी लगी होगी वीडियो, तो यार लाइक तो कर ही देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।